हेलो एंड वेलकम बैक। एक मिनट, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन हमारे रूम में जो है पायलट है एक, तो आज उन्होंने प्लेन चलाने जा रहे हैं, यानी कमर्शियल पायलट है, तो मेरे को भी लेके जा रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी अगर कुछ वीडियो मैं रिकॉर्ड कर सकूँ तो बताऊँ। अभी नीचे ठहरे हुए हों, अभी मेरी लिफ्ट आ गई, जाके कोशिश करता हूँ। अब रात का टाइम है, लाइक ऑलमोस्ट 8:30 हो रहे, तो पता नहीं वो वीडियो कितनी क्लैरिटी से आती या नहीं आती। अगर क्लैरिटी से आई तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। पीछे उनकी कार, वो हमारा घर ऊपर है। अभी हम करेंटली है येल रोड पे, और यहाँ से वैनकूवर का जो ट्रांस कैनेडियन हाईवे है वो उसकी तरफ हम जा रहे हैं, और हमारे को जाना है एबट्सफोर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ, जो कि आगे चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ। ये रास्ते में जो है मेरे को थोड़े पहाड़ा दिखे, बहुत सारे ज़बरदस्त सीनरीज थे, लेकिन आउट ऑफ ऑल ऑफ देम ये मेरे को अच्छे दिखे। और ये ब्रिज आई थी जो इतनी अच्छी दिखी मेरे को, आप अगर आप सामने होते तो आपको भी इतनी पसंद आती थी, क्योंकि एक तरफ अंधेरा हो रहा था और दूसरी तरफ ये ब्रिज एकदम लाइट्स चमक रहे थे, कर रहे थे, बहुत अच्छा दिख रहा था। अभी ऑन द वे है एबट्सफोर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आ गया करीब करीब है, राइट साइड पे। यही हाईवे सीधा वैनकूवर तक जाती है। नहीं, नाइट में अगर रिकॉर्ड नहीं कर सका बोले तो फिर फ़ायदा नहीं है, ऐसा हुआ था। अब फॉर एग्जांपल ऐसी वीडियो आई बोले तो फ़ायदा नहीं है ऐसा। आपका गोप्रो है होता, अच्छा हाँ। अरे क्या बड़े भाई, क्या करते तो आपका गोप्रो नाइट में रिकॉर्ड करता, अच्छा हाँ तो ठीक है। नहीं बोले तो अपन ऊपर रहेंगे फिर रिकॉर्ड करेंगे, देखे तो खाली काली पिक्चर आ रही है, ऐसा नहीं रहना। फोटो मेरा फोटो बहुत अच्छा नहीं गया, फोन ये अच्छा आपके फ़ोन से अच्छा आता ही नहीं बोल के नहीं है। अब वो फ़ोन से ये फ़ोन में फिर ट्रांसफ़र करने का टेंशन नहीं रहना, आप गोप्रो से रहे तो क्या है, सीधा जब का जब ट्रांसफ़र हो जाता कर जाता सब हो जाता ऐसा। अब करीब आ गए हम लोग वैसे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट, ये हमारे क्या बोलते पायलट हैं, हमारे कमर्शियल लाइसेंस पायलट हैं, हमारे रूममेट ही है, मेरे रूममेट ही है रिजवान भाई, रिजवान नाम है भाई, लगा दिया भाई लगा दिए मेरे को भी खुशी हो रही, मैं भी नहीं कभी ऐसा नहीं बैठा, तो मेरा भी अब मैं इधर बात इधर कर रहा हूँ दिमाग कहीं और है वैसा है। करीब करीब आ गए अपन, अब आ गए क्या, आइज गए एयरपोर्ट, आ गए सीधा एबट्सफोर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। क्या आप लेना है था? पहली बार प्लेन देखे जो अपन इतनी नजदीक से कभी भी नहीं देखे, चिन्ने मुन्ने कितने नहीं, अच्छे बड़े से बहुत बड़े हैं। अभी निकल रहे नहीं, अभी टाइम है वैसे तो। ऐसा हवा में चल जाते नक्को, सोचो बड़े भाई वहाँ ऊपर पेट्रोल भरने का, वहाँ ऊपर रहता, मेरे को भी बीच मालूम हो वैसे, यहाँ ऐसा पेट्रोल का रहता तो इसमें से पेट्रोल भर ले रहा ना अभी फ़िलहाल के लिए। क्या करते कि यार टिक टिक बोल के आवाज़ आ रही थी जब से, अब भी जो रिकॉर्ड करा वो वीडियो वापस देख रहा था तो अजीब आवाज़ आ रही थी, अब वो वीडियो एडिटिंग करे तो किसी सही आती नहीं आती नहीं मालूम, देखो वो पेट्रोल भरना फिर इसके बाद रेडी होके करके जाना है। फिलहाल के लिए तो पूरे कैलकुलेशन वो सब कर लेते लगा, वो सब कर लिया आपने, क्या कर लिया सो नहीं मालूम लेकिन क्या किच कर लिया। ये दूसरा फ्लाइट भी है देखो एक, अब रात में ऊपर गए बाद से मेरे पास इनका गोप्रो है भाई का हमारे, अब मेरे को ये नहीं मालूम वो गोप्रो में कितनी अच्छी आती ख़राब आती मेरे को आइडिया नहीं है, आई हैव नो आइडिया। अब ऊपर गए बाद से अंधेरे में क्या होता की हालत,
अभी अंदर बैठ गए यहाँ पे, अभी हम लोग का 8 मिनट कुछ है फ्लाई करने के लिए। ये सीट बेल्ट वो लगा दिए कर दिए अभी अभी थोड़ा सेट कर लेके 8 मिनट में फ्लाइट है। अब थोड़ा अंधेरा तो दिख रहा है, अब ये गोप्रो में क्या हालत होती है मेरे को नहीं मालूम। मेरा ऐसा दिखता हैंडल भी है अपने पास, क्या स्टेयरिंग भी है वैसे हमने क्या आता चलाने, लेकिन उन्हें चलाते अब। बाकी ज़रा एक एक्साइटमेंट भी है, हैबत भी है ऑब्वियसली, हवा में जा रहे हैं। बाकी देखना आ रहे हो ना अभी, लाइक 8 मिनट बोला था, 8 मिनट भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से, लाइक 6 मिनट होंगे मेरे ख्याल से। अब थोड़ा सेट हुए करे तक 6 मिनट हो जाते, उसके बाद ऊपर जाने के बाद देखना क्या होता। एक बोला था अंदर और ये आ गए हम आसमान में, और खुशी देखो मेरी फूले समाई नहीं जा रही खुशी। ओहो क्या खुशी है रे बाबा, बोले तो खुशी बोले तो ऑब्वियसली जब आप एक प्लेन में बैठेंगे और आपको सब दिखेंगा तो खुशी तो होंगी। खुशी में जो है क्या क्या की रिकॉर्ड कर लो, देखो देखो कैसी हंसी हंसो ना, देखो लेकिन जेन्युइन है। और अब हम जो है मैं समझता हूँ, दिख रहा तो नहीं मेरे को लेकिन जो सीन है ना, ये डाउनटाउन वैनकूवर है। देखो ये 1100 टाइम का है, 1800 टाइम का भी देखो आगे है, लेकिन ये सामने जो वाइट कलर की स्ट्रिप दिख रही वो एक्चुअल में कुछ शिप है, जहाँ तक मेरे को याद है एक शिप है। लेकिन जो दिख रहा ना बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है, वहाँ पे अगर आप होते तो आप भी वो फील करते जो मैं फील कर रहा हूँ अभी। अभी देखो पीछे की साइड से मैं दिखा रहा हूँ कि कैसा व्यू है उसका बोल के, देखो इतना प्यारा दिख रहा मालूम है। और ये जो नीचे ब्लैक दिख रहा आपको वो पूरा रिवर है, वो यानी मैं समझता हूँ समंदर है वो, या एग्जैक्टली आइडिया नहीं है वो समंदर है या रिवर है, लेकिन कितना प्यारा दिख रहा देखो। आते वक्त तो आते वक्त वाली वीडियो भी डाला मैं, इतना प्यारा दिख रहा हो, सेम जगह से है थोड़ा आगे पीछे है, लेकिन यही सीन दिखता और क्लैरिटी से भी दिखता आपको आगे चलते जाओ। और ये देखो पीछे का टेल वो कैसा दिखता जब आप हवा में उड़ गए करके। कुछ बात करना चाह रहा हूँ था मैं, लेकिन जो है अब वापस जा रहे बोल रहा हूँ गालिबन में, लेकिन अभी कैसा है वो बाहर की आवाज़ से उतना ज़्यादा जो है अंदर आवाज़ नहीं आ रही थी। दोनों क्या बात कर ले कि हंस ली, क्या ऐसा कैसा हंस ले रहे कि देखो क्या हंस रहे रे बाबा तुम लोग। हाँ लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस तो था। अब वापस जा रहे, अब ये है देखो भाई, ये डाउनटाउन वैनकूवर है, इतना प्यारा दिख रहा है, इतनी क्लैरिटी के साथ वीडियो आई, क्या बिल्डिंग्स है, देखो तो बहुत मज़ा आई। आपको भी मैं समझता हूँ कि देखने में बहुत मज़ा आ रही होंगी, इतने ऊंचे बिल्डिंग्स और रास्ते, स्पेशली अब देखो रास्ता यहाँ से सीधा लास्ट तक एक ही रास्ता दिखता, देखो आपको कार्स जाते हुए करते हुए, ये देखो ये रास्ते पर दिखता था, कितना प्यारा दिख रहा था, वाह। काश आप भी उस टाइम पे रहते तो आपको भी जो है ये एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता। अभी और मैं जो किश्ती बोल रहा था मैं, वो अभी यहाँ पे आती, देखो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट समझता हूँ मैं यहाँ पे नज़दीक में है अभी वो, एक मिनट रुक जाएंगे उसके लिए, अभी आ रही देखो। हाँ देखो वो शिप है वो जिस पे कंटेनर्स भी दिख रहे, देखो आप लोगों को भी दिख रहे होंगे, तो वही थी जब जाते वक्त हम देख रहे थे उसको। गालिबन वो बेस भी है, पता नहीं क्या है, देखो पिछले कैसा व्यू दिख रहा था, लेकिन बहुत प्यारा दिख रहा था भाई, बहुत प्यारा दिख रहा था।
फाइनली खतरनाक था, एक अच्छा एक्सपीरियंस भी था, एक खुशी भी हुई, नर्वसनेस भी थी, डर नहीं था भाई, एक एक्साइटमेंट ज़्यादा थी समझो, लेकिन फिर भी हमारे भाई ज़रा ऊपर वो लाइट सही करो, आती अच्छी, हाँ अच्छे से क्या बोलते चला के ले लेके आए, चला के उड़ा के ले लेके अच्छा ये काम करते बोला अब क्या बोले मेरे पैरा पूरे जामों के बैठे बैठे अरे मेरा ये सीट बेल्ट तो खोलो बड़े भाई यार इतना भी नहीं आता क्या आपको अब कुछ भी नहीं आता अब सीधा गाड़ी में बैठना घर को जाना है बच्चे खोलो जरा निकलो हेडफोन के वो भी लगाना है मेरे मुल्ला खतरनाक था अच्छा बहुत मजा आया लेकिन हाँ हाँ वो हेडफोन्स दे दो मेरे को हाँ लेकिन जो मज़ा आई ना ज़बरदस्त मज़ा आई जब वैनकूवर के पास थे ना वैनकूवर डाउनटाउन का इसमें वीडियो वहाँ पे रिकॉर्ड करा उसमें ऐड करता हूँ इतना मज़ा आई एक अच्छा एक्सपीरियंस था समझो कितने पैसे देना पड़ता 300 तो 500 तो देना पड़ता ना कैसा भी चला कोई जाना है बोले तो इजीली कम से कम 900 से $1,000 देना पड़ता अच्छा तो दो घंटे करने दो नहीं ढाई घंटे करें ना हाँ तो अराउंड $900 देना पड़ता वाह और कैप्टन की वो भी देना पड़ता चलाने हाँ फ्लाई करने वाली हाँ वो $70 एन आवर रहता तो ऑलमोस्ट $1,100-1,200 हो जाता पूरा करीब करीब माशाल्लाह अल्लाह ताला आपने को अपॉर्चुनिटी दे दिया आपको मेरे को भाई साहब हमारे पैसे पिकअप कब कर रहे हैं आप बिल बना लेना आपके नाम का मेरे ऑलरेडी भाई क्या है बोले तो $2,000 देना है तो उसमें से 1,000 कट कर ले रहे हैं तो अगली बार क्या है बोल के बोले तो फिर से 1,000 एक बार सुबह में सुबह के टाइम आते हैं ना वो टेंट नहीं मैं नींद पुदारी पड़ो फोन ले लिया आप ले लिया फोन मैं वो गाड़ी पार करना पड़ता मज़ा तो सही में मज़ा होता है ज़बरदस्त और कई को बोले तो अब नॉर्मल प्लेन में क्या बोले तो अपन उतनी ऊपर नहीं रहते ना लाइक बहुत ज़्यादा ऊपर रहते तो अपने को क्या है बादल दिखता बहुत से बहुत जब लैंड कर रहे जब दिखता हाँ भाई कुछ आ रहे बिल्डिंग्स बोल के लेकिन हम लोग फ्लाई करें लाइक 4,000 मैक्सिमम 4,500 टू 2,500 पे भी आए 1,500 पे भी आए तो जो जब वैनकूवर डाउनटाउन के पास है ना तो उधर ज़्यादा मज़ा आई अभी एक बोले तो पूरा एवरीथिंग पूरा बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिख रहे हैं आपको एवरीथिंग क्या बोलते चमक रहा हुए बहुत अच्छा दिखा इसमें वीडियोस लिया मैं अगर हो सका तो इसमें ऐड करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़